तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं HPL इलेक्ट्रिक एंड पावर के बारे में। तो मैं आप लोग को इसका लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में तो बोल ही दूंगा, और साथ ही मैं आप लोग को यहाँ पर और बैंक भी बोलने वाला हूँ। तो बिना कुछ देरी करे चलिए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इसके अबाउट के बारे में बोलूँ तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का कंपनी है, जो कि आप लोग को 40 ईयर्स का ये कंपनी हो गया आप लोग को ये मैन्युफैक्चर करता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। और साथ ही ये जो कंपनी वो अभी डाइवर्सिफाइड है। और अगर मैं आप लोग को इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बोलूँ तो ये सिर्फ नेशनली ही नहीं, ये ग्लोबली भी अवेलेबल है। और नेक्स्ट, अगर मैं आप लोग को इसका फंडामेंटल के बारे में बोलूँ तो मुझे ये थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि दोस्तों चाहे इसका ROCE हो, चाहे इसका ROE हो, चाहे इसका EPS हो, मुझे बहुत ही कम लगा, जो कि एक अच्छा कंपनी का होना चाहिए उतना नहीं है। और साथ ही इसका जो डेप वो इसका मार्केट कैप से ज़्यादा है, जो कि एक निगेटिव पॉइंट होता है। पर दोस्तों, इसका स्टॉक पी जो है वो इंडस्ट्री पी से आप लोग को कम देखने को मिलेगा, जो कि इसको थोड़ा सा अंदर वैल्यूड कहलाता है। और साथ ही इसका जो बुक वैल्यू वो भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसका करेंट प्राइस, जो कि अंदर वैल्यूड कहलाता है। तो ओवरऑल अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो मुझे ये वीक लगा इसका फंडामेंटल, पर आप लोग को ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही आप लोग को होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आप लोग को ये लास्ट में बोल दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इसका रिटर्न के बारे में बोलूँ तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका जो शॉर्ट टर्म का रिटर्न 1 ईयर का वो आप लोग को निगेटिव में दिख रहा है। और नेक्स्ट, अगर मैं आप लोग को इसका मिड टर्म का रिटर्न बोलूँ तो ये आप लोग को पॉजिटिव में दिख रहा है। और साथ ही अगर मैं आप लोग को इसका लॉन्ग टर्म का रिटर्न बोलूँ तो वो भी निगेटिव में है। तो दोस्तों, ऐसे एक कंपनी जो आप लोग को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में आप लोग को निगेटिव में दे रहे हैं, तो ये कंपनी कैसे फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं आप लोग को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बेसिस से बोलूँ तो इसका जो प्रोमोटर का होल्डिंग वो आप लोग को सेम ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत एक अच्छा बात है। नेक्स्ट, अगर मैं आप लोग को FII का होल्डिंग के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर आप लोग को लूज करता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ ही जो DI का ये आप लोग को ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। तो FII का लूज करना ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों, यहाँ पर जो पब्लिक का होल्डिंग वो थोड़ा सा बढ़ गया। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोग को ओवरऑल बोलूँ तो चाहे इसका क्वार्टर रिजल्ट के बेसिस से हो, चाहे इसका बैलेंस शीट के बेसिस से हो, तो चाहे इसका कैश फ्लो के बेसिस से हो, तो लॉन्ग टर्म का रिटर्न जितना एक अच्छा कंपनी का होना चाहिए कि स्टेबल ग्रोथ इसका नहीं है। तो आप लोग का जो पैसा यहाँ पर रिस्क में आ सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मैं आप लोग को बिल्कुल ही सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अभी मैं दोस्तों इसका लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग को बोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो Q1 का फाइनेंशियल ईयर 2020 का जो रिजल्ट, वो जो रिवेन्यू वो बहुत एक अच्छा परसेंटेज पे निकल के आ रहा है, जो कि 129% में आप लोग को ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा। चूँकि अगर मैं आप लोग को इसका रुपीज़ में बोलूँ तो 95 करोड़ का होगा ऑलमोस्ट, कि पिछले साल ये 129 करोड़ का था, और अभी इसका रिवेन्यू बहुत ही बढ़ गया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को बोलूँ नेक्स्ट, तो HPL इलेक्ट्रिक पावर दी इंडियन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये क्या कर रहा है कि इसका जो कंपनी का जो प्रोडक्ट वो डाइवर्स कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बात है। तो नेक्स्ट, अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो इसका EBITDA, जो कि आप लोग को अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 283.5% यहाँ पर राइज हो गया, 2 रुपीज़ 37 करोड़ के। अगर मैं रुपीज़ के बारे में बोलूँ तो ये 37 करोड़ होगा ऑलमोस्ट। BPS के बारे में बोलूँ तो यहाँ पर 512 BPS बढ़ गया, और जो कि 12% का यहाँ पर था FY22 का। तो इसका जो प्रोडक्ट्स का जो रेवेन्यू तो वो भी 185% का ग्रो हो गया, जो कि रुपीज़ में 146.9 करोड़ का है इस 2023 में। और साथ ही अगर मैं 2022 के बारे में बोलूँ तो ये सिर्फ 51 करोड़ का था, और अभी ऑलमोस्ट आप लोगों को ये डबल रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसका जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट वो 92% का आप लोग को ग्रो देखने को मिलेगा FY23 में, जो कि 77 करोड़ का था सिर्फ Q1 2022 में, ऑलमोस्ट ये डबल हो गया। तो यहाँ पर आप लोग को अच्छा ही बात देखने को मिलेगा। तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर फंडामेंटली और साथ ही फाइनेंशियली यहाँ पर मैंने आप लोग को एनालिसिस करके बता ही दिया। तो अभी इसका जो फंडामेंटल इतना स्ट्रांग नहीं है, अभी इसका फंडामेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा यह कंपनी, तो तब हम लोग बोल सकते हैं कि यह कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, तब आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अभी के लिए मैं यहाँ पर निवेश करने के लिए आप लोग को ऑब्वियसली सजेस्ट नहीं करूँगा, पर हाँ, आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग को कौन सा प्राइस में ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन सा प्राइस में एंट्री लेना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो मैं आप लोग के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इसके रिगार्डिंग। और साथ ही अगर आप लोग ने इसको खरीद के रखा है तो आप लोग को अभी क्या करना चाहिए, तो मैं उसी प्राइस टारगेट की वीडियो में आप लोग को बोल दूंगा। तो इसलिए वो वीडियो मिलने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को वो वीडियो का अपडेट मिल सके। दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।